बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के करम फजल शुक्र के साथ हम सब ठीक हैं। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, सदा हंसते मुस्कराते रहें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरजू फूड सीक्रेट। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मैक्रोनीस, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज हमने लिए जी मैक्रोनीस का एक पैकेट हमने लिए, और इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो सब आपको बता देते हैं। ठीक है जी, हमने चिकन लिया जी, उसको हमने छोटा छोटा काट लिया, कीमा नहीं किया, आपकी मर्जी, आप कीमा भी कर सकते हैं। हमने गाजर लिया है एक अदद, हमने बड़ी वाली शिमला मिर्च ली है जी एक अदद, हमने बड़े वाला टमाटर लिया है कट कर लिए, ठीक है जनाब। प्याज एक अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच, नमक हंस में जायका डालेंगे, और काली मिर्च डालें जी हम तकरीबन 3-4 चम्मच हैं, ठीक है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब आगे हम आपको बताते हैं कि क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, और पानी के अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, और उसी पानी के अंदर हम 1 चम्मच भर के नमक ही डाल देंगे, और जब पानी को बॉयल आएगा इसके अंदर हम मैक्रोनीज ऐड करेंगे और उनको बॉयल करेंगे जब तक वो गल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके आगे आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, देखें पानी को बॉयल आ चुका है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से। अब हम इसके अंदर ये मैक्रोनीज डाल लें। अब हम इनको इतनी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, तो देखें माशाल्लाह मैंने 15 से 20 मिनट इनको पकाया है, तो ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी हम इनका पानी ड्रेन करेंगे और आगे इनको जो है ना इसके अंदर जो बनाना है वो बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसका पानी निकाल लिया और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिए, ठीक हो गया। तो अब हम इनको मिक्सअप करेंगे। ये देखें माशाल्लाह एक एक है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी तैयार हो चुकी है हमारी मैक्रोनी। तो अब हम ये कुकिंग ऑयल डालेंगे ये कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल डालेंगे हम कढ़ाई में। तो अभी तक देखें फ्रेंड, हमारा गैस का मसला जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, इतनी शदीद गर्मी है, और सिलेंडर मेरे पास है लेकिन मैं डरती हूँ सिलेंडर यूज़ करने से, क्योंकि वो अक्सर फट जाते हैं तो मैं यूज़ नहीं करती, भरा हुआ पड़ा है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज कढ़ाई में डाल लिया है, इसको थोड़ा सा हम लाल करेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स देखें, जब हमारे प्याज इतने से लाल हो जाए, ज़्यादा अगर लाल हमने नहीं करने बल्कि हल्के से हुए हैं, इसके साथ हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के साथ हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि चिकन हमारी सिक्के में। अब हमने दोनों चीज़ों को मिला अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना फ्राई करेंगे। देखें 7-8 मिनट हो गए हमें गोश्त की बनाई को। अब हम अदरक लहसुन शामिल करें और मजीद इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। देखें अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया, क्योंकि चिकन के अंदर जो पानी अपना होता है ना जो चिकन, उसी में ही डाल जाएगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, 2-3 मिनट हमने बनाई डाल ली अदरक लहसुन डाल के। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर, क्योंकि गाजर तो सख्त होती है, उसको भी हम अभी जो है ना बनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको भी बनाई करते हैं। तो शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, देखें हमने 2-3 मिनट गाजर डाल के फ्राई कर लिए। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब
अब हमारे पास काफी तेज और गर्मी भी शदीद हो रही है, क्योंकि हम लकड़ियों में बना रहे हैं। तो देखें फ्रेंड, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मजेदार सी शक्ल आ गई है। देखें जी, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मजेदार है। आप ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही कलरफुल सी हमारी चिकन जो है ना वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह जितने ये देखने में मजेदार लग रही है, यकीन करें खाने में डबल मजे की होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, बाकी हम बाद में करेंगे जब हमें दोनों ही डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, नमक आप लोग चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप ऊपर से और डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने चिकन जब फ्राई करी थी उसके साथ नमक डाला है, तो जब मैं मैक्रोनी डालूँगी चखूँगी, और अगर हमें और चाहिए नमक की ज़रूरत हुई तो हम कर, तो ये थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। पानी थोड़ा सा हमने शामिल किया, अब इसको हम दम पे रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखें फ्रेंड्स अभी तक माशाल्लाह हमारी मैक्रोनी जुड़ी नहीं है आपस में। देखें हमने ऑयल डाला और बार बार इसके अंदर चम्मच हिला के हम इसको मिक्स करते रहे हैं, तो अभी ये साथ चिपके ना। तो देखें माशाल्लाह अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं काली मिर्चें लाल मिर्चें जो भी है। तो ब्लैक पेपर में ज़्यादा मज़ा आता है, मैं काली मिर्चें में बनाती हूँ बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी मैं थोड़ी सी और शामिल करूँगी, उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह फ्रेंड्स देखें कि कितने ही मज़ेदार चीज़ हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई, देखें माशाल्लाह। तो इस स्टेज पे आप चख सकते हैं कि नमक मिर्च को चख लें आप थोड़ा सा, अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने चखा है तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर से शामिल कर दूँगी, आप भी इसी तरीके से शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार से तैयार हो गई है। तो फ्रेंड देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी देखें तैयार होके आ चुकी हैं जी, बहुत ही मज़े किए हैं हमने, ट्राई किए हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़े किए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी प्लीज़ ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।